73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में संविधान 1950 में लागू किया गया था, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। समय समय पर संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की जाती रही है, इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आज हम लोग संकल्प लें कि संविधान को रक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और भारतवर्ष की मातृभूमि के लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को झारखंड राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए देश की संविधान को बचाए रखने के लिए देश में एकता और अखंडता के साथ हम लोग काम करें और देश के विकास में भागीदार बने। जय हिंद। 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान का 73वां वर्ष, मैं आज इस अवसर पर अपने समस्त राज्य एवं देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज हम लोग अपने भारत के संविधान को इतने उत्साह पूर्वक, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस पर्व को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने तमाम देशवासियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जोहार, नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना की तरफ से झारखंड वासियों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। दुर्गा महारानी सेना आज 26 जनवरी को संकल्पबद्ध होती है और अपने सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करती है कि आरोग्य धाम निर्माण संकल्प के लिए तत्पर हों। जय हिंद। नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना की तरफ से सभी झारखंड वासियों को, पदाधिकारियों को, सदस्यों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की ओर से गणतंत्र दिवस पर झारखंड सहित संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। सब तो सर मिल गया है, दो तीन चीज सिर्फ जानना था, तो क्या गोली चलने की बात करें। थ्रू आउट रामगढ़ के एरिया में आजकल एक्टिव है और वो लगातार रिक्रूटमेंट की कोशिश कर रहा है। जानकारी मिली कि तीन और मेंबर उसमें शामिल हुए हैं और उसके साथ उसका दस्ता मुसरमू के जंगल में है। हमारी टीम जो है विजय शंकर और थाना प्रभारी रामगढ़ के नेतृत्व में छापेमारी की और उस छापेमारी के बाद जो है वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। तीन आदमी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें दो का जो क्रिमिनल इंसिडेंट है, पहले जो PLFI संगठन में थे उसमें जेल भी गए थे, लंबा चौड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री है। और अब वो क्योंकि PLFI का यहाँ पर जो है अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था, तो वो लोग नए संगठन में जुड़कर अपना ये अवैध गतिविधि चलाना चाहते थे। तो उस दृष्टि से आर्म्स की रिकवरी, तीन मस्केट से रिकवर हुआ है, बैकपैक रिकवर हुआ है, टेंटेज रिकवर हुआ है, इसके अलावा जो है जो मस्केट में लोड करने के लिए छर्रा के रूप में बॉल बेयरिंग वगैरह था वो हुआ है। तो हम मानेंगे बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। खैर के लिए सर बड़ा मजबूत। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।